आज तुम्हारा कन्यादान करके ये बाजीराव पेशवा पितृऋण से मुक्त हो गया और ये तेरे कारण संभवित हुआ है। सदा सुखी रहना। पेशवा महाराज, आप चिंता मत कीजिए, इंदु हमारे घर में भी हमारी बेटी की तरह रहेगी। अब हमें आज्ञा दीजिए। बाबा साहब, मनु कहाँ है? देखो बेटी, हमारी छबीली भी तुम्हारी तरह भावुक है, वो भी यही कहीं तुम्हें दूर से देख रही होगी। बाबा साहब, उसने जो भी मेरे लिए किया है उसका ऋण तो मैं इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगी। नहीं जा सकती मैं उससे मिले बगैर। तुमने मनु दीदी को देखा है? हम कब से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। कहाँ जा सकती है? अच्छा, तुम आखिरी बार मनु दीदी से कब मिली थी? वो अपने कक्ष में थी, कह रही थी सोच रही हूँ अभी आती हूँ। तुम लोग छिपन छिपाई खेलते हो ना? हाँ। तो प्राची छुपती कहाँ है? आम बगीचे में। तुम जाओ बेटा। चलो बेटी, बारातीगण डोली उठने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Thank you.
मनु, कहाँ ढूंढूं इसे? हे देवा, आप ठीक कह रही है। अगर हमारे चमेली के भाग्य में झांसी लिखा है तो झांसी जाएगी। श्रीमान सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर ये सम्मान स्वीकार किया है। हाँ, तेरा विवाह झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव से होने जा रहा है। मुझे शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि नियति मुझे झांसी ले जाए। मुझे अपना भाग्य खुद बनाना है। श्रीमंत सरकार, कहिए क्या आदेश है? हम तो केवल जाने से पहले आपकी छबीली मणिकर्णिका से मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य मिलिए, परंतु वो हमारी हिंदू के विवाह के कार्यों में संलग्न है। चाहे तो प्रतीक्षा करें या जी। हमारी मंडू दीदी झांसी नहीं जाना चाहती है, और वो ना ही झांसी की रानी बनेगी। राजी, मनु दीदी ने हमसे कहा था। बच्ची है, आपस में खेल खेल में कुछ कह दिया होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, विलंब हो रहा है। हम शीघ्र ही आपकी सेवा में विवाह का विधिवत प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत होंगे। राजी, यहाँ आओ। बेटी,
तुमने ऐसा क्यों कहा? बाबा साहब, मनोदी ने नाम मैं स्वयं कहा था। बताओ मुरुख, तुम्हें अवश्य मालूम होगा, संभवतः हमारी छबीली इस संबंध से आनंदित नहीं है। मुझे ये संबंध स्वीकार नहीं है, मैं ये विवाह नहीं करूंगी।